Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And I am talking about nowadays rights of women. Earlier I have talked about CEDAW, that is Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women with regards to international perspective. And this time I am going to discuss rights of women in Indian perspective, that is which articles of constitution, what sort of legislations and what sort of policies have been made to safeguard the rights of women in India. Okay, so the lecture will be in bilingual mode as usual and it must be useful for you all. Okay, इधर कुछ दिनों से हम लोग अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको पता हो गया होगा, आप थोड़ा फेमिलियर हो जाइए. बहुत पूछा जाता है और बहुत आपको पता होना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे संविधान में लिखा है कि ऐसा होना है. कई लोग तो गलत भी उपयोग कर लेते हैं इसका, तो कम से कम जो सही उपयोग करने वाले लोग हैं उनको तो जरूर पता होना चाहिए इसके बारे में. तो हम लोग जब राइट्स ऑफ चाइल्ड की बात कर रहे थे तब भी हमने आर्टिकल 14-15 पढ़ा था, इसमें एक 16 और ऐड हुआ है. तो आर्टिकल 14, अब तो एकदम आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 14 क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आप जिसकी भी बात करें, वुमेन की बात करें, चाइल्ड की बात करें, किसी भी स्पेशल डिसेबल्ड की बात करें, सब में ये काम करेगा. क्यों? क्योंकि ये कह रहा है इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के सामने सब समान है. एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज बाय द स्टेट, और राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो इन कानूनों की रक्षा करे. फिर आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आप विभेद नहीं करेंगे. किस किस आधार पर? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के संग भेदभाव नहीं करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया. इसमें बहुत सारे हैं, स्टेट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, नो सिटीजन टू बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, caste, sex or place of birth or any of them with regard to access to public spaces and facilities. यानी कि जो public space है, जो public facility की चीजें हैं, उसमें आप किसी भी नागरिक को नहीं मना कर सकते कि आप धर्म, जाति या किसी जन्म स्थान के आधार पर कि आपको कोई restriction है या आप उसके लिए अयोग्य हैं उसको use करने के. Okay? Then empowers the state to make special provisions for women and children. इसने कहा है राज्य को ये empowerment दी है, ये उसको सुदृढ़ीकरण दिया है, उसको विशेष अधिकार है कि आप महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष provision बनाएं. और empowers the state to make special provisions for the advancement of socially backward class of citizens or scheduled castes and scheduled tribes. यानी SCs, STs और जो backward तबका है, जो पिछड़ा तबका है नागरिकों का, उन सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है उसके एडवांसमेंट के लिए आप स्पेशल प्रोविजन बनाएं. यानी कि आप आर्टिकल 15 को यहाँ एससी एसटी के एडवांसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, डिसेबल के लिए यूज कर सकते हैं, सोशली बैकवर्ड क्लास के लिए यूज कर सकते हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन है, और आर्टिकल 16 यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात आती है. तो इसका मतलब क्या है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो जन रोजगार की जो अवसर है उसमें समान अवसर मिलेगा. किसको किसको? जैसे मेल को वैसे फीमेल को, जैसे मैन को वैसे वुमेन को. यानी कि यहाँ हमने औरतों का अधिकार सुरक्षित रखा है कि आप उनको ये कहेंगे कि यू आर ए फीमेल, यू आर ए लेडी, यू आर ए वुमेन, आप उनको कमतर नहीं आ सकते हैं. तो इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, है ना. किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कोई विभेद नहीं करना है, समान अवसर देने हैं. और प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा इन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट. राज्य के अंतर्गत कोई भी ऑफिस है, कार्यालय है, आपको उसमें विभेद नहीं करेंगे, आप समान अवसर देंगे रोजगार में. तो ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो भारत के संविधान में लिखा गया है जिससे कि महिलाओं के अधिकार सुरक्षित किए जा सके. इसके अलावा लेजिस्लेशंस भी हैं, कानून भी बने हैं. बहुत सारे हैं. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, भाई ह्यूमन जो फीमेल है, जो वुमेन है, वो भी ह्यूमन है, तो आपको उसके अधिकार भी सुरक्षित रखने हैं. 1993 में आया टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएचआरसी फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड नेशनल ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन राइट्स, इस तरह से करके. तो ये कह रहा है कि टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जैसे कि आप बेहतर सुरक्षित रख सकें मानव के अधिकार, उसमें औरतों का अधिकार भी आ जाएगा. फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया 1990 में, एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन,
टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीडब्ल्यू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट्स, हम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। फिर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट भी आया है, लेजिस्लेशन टू चेक एंड डिटर क्राइम्स अगेंस्ट SC ST, तो SC ST के लिए बनाया, तो वह महिलाएं भी आ जाएंगी इसमें बाई डिफॉल्ट। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1989 प्रोहिबिट्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टीजमेंट और इन पब्लिकेशन एक्सेट्रा। देखिए ये तब भी होता है, ये कानून बन चुका है 1989 में कि आप किसी भी महिला का जो निरूपण है, जो चित्रीकरण है, किसी भी एडवर्टीजमेंट में या पब्लिकेशन में इनडिसेंट मैनर में नहीं करेंगे। फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861 में आया था, रेगुलेट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन फॉर सर्टेन पीरियड्स बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड टू प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट। इसके बाद इसका एक मिनट में चेक करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी कि ये 1861 है या 1961 है, हो सकता है गलती से टाइप हो गया हो, एक बार मैं रीचेक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियर कर दूंगी, क्योंकि ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है ना, 1861 होना मुश्किल है। आई विल चेक एंड देन डिस्क्राइब इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो बेनिफिट एक्ट 1961 एंड मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया, क्योंकि यहाँ 1961 लिखा है ना, तो मे बी ये 1961 हो। इसमें कहा गया है प्रोवाइड्स ऑल द मैटरनिटी बेनिफिट्स अवेलेबल टू ए वुमेन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड द अमाउंट ऑफ लीव अवेलेबल टू हर, यानी कि उसको सभी मातृत्व के जो लाभ है वो दिए जाएंगे और उसको लीव दी जाएगी, सब अवेलेबल कराया जाएगा उसको, पेड लीव इन केस ऑफ मिसकैरेज, अगर मिसकैरेज हो जाता है तो आप उसको पेड लीव देंगे, यानी छुट्टी देंगे, छुट्टी उसकी भी उसको तनख्वाह मिलेगी, पेड लीव है ना। States that it is unlawful to discharge or dismiss a woman absent from work due to her pregnancy in accordance with the act. इसमें कहा गया है कि ये unlawful है, मतलब अवैध है, गैर कानूनी है, अगर आप pregnancy period में अगर कोई औरत अपने workplace से दूर है तो आप उसको dismiss नहीं कर सकते। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट भी 1947 में है, प्रोवाइडेड फॉर सेम वेजेस एंड अदर फैसिलिटीज टू वुमेन वर्कर्स एंड प्रोविजन ऑफ क्रेश फीडिंग इंटरवल्स एटसेट्रा एट द वर्कप्लेस। ये कहा गया कि जो कार्यस्थान है वहां पे आप फीडिंग इंटरवल दीजिए, अगर लैक्टेटिंग मदर है तो है ना, उसको बीच में इंटरवल दीजिए कि वो अपने बच्चे के को फीड करा सके, क्रेश का प्रोविजन है वुमेन वर्कर्स के लिए, और भी फैसिलिटीज और वेजेस समान होंगे जैसे कि मेल के लिए होंगे। तो बहुत कानून है, बस बात इतनी है कि माइंड सेट नहीं चेंज हुआ है लोगों का अभी तक। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में आया, ये क्या कहता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये नहीं है कि सेम आप पोस्ट पे एक महिला काम करेगी और एक पुरुष काम करेगा तो आप महिला को कम सैलरी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये 1976 में आ गया है। स्टेट्स दैट द एम्प्लॉयर हैज टू पे इक्वल रिम्यूनरेशन टू मेन एंड वुमेन वर्कर्स फॉर सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर। जो ये घर बनाने वाले मजदूर होते हैं उसमें अब का नहीं आइडिया है मुझे, लेकिन जब हम लोग छोटे थे हमारे घर में काम होता था तो मैं देखती थी कि महिलाओं को कम मतलब मजदूरी दी जाती थी, पुरुषों को ज्यादा। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन। फिर द कंपनीज एक्ट 2013 में आया है, एज पर द सेकेंड प्रोविजन, प्रोविजन होना चाहिए टू सेक्शन 149(1) रीड विद, आप इतना सेक्शन नहीं याद कर पाए तो भी आप इसका सार समझ लीजिए कि ये कह रहा है कि एवरी लिस्टेड कंपनी, वो हर कंपनी जो लिस्टेड है, एवरी पब्लिक कंपनी जिसका की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, एवरी पब्लिक कंपनी जिसका मिनिमम टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, मेक्स प्रोविजन फॉर एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। उसको ये करना होगा कि कम से कम एक जो डायरेक्टर है उसको महिला के रूप में नियुक्त करना होगा। तो ये कंपनीज एक्ट है, मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ पुरुष ही पुरुष हो तो वो संवेदनशील नहीं होंगे महिलाओं के हितों के लिए, इसके पीछे बेसिक ये है। अब आ जाइए पॉलिसीज एंड रिपोर्ट्स पे, यानी बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बहुत सारी पॉलिसीज भी आई, जैसे कि द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया 1971 1971 में आया, एक कमिटी बनाई गई कि जिससे कि राष्ट्र में, देश में, भारत में महिलाओं की स्थिति पे के लिए है ना, अंडरटुक अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ वुमेन स्टेटस इन इंडिया इन ऑल स्फीयर्स टूवर्ड्स इक्वेलिटी। इस रिपोर्ट का नाम ही टूवर्ड्स इक्वेलिटी के नाम से पब्लिश हुई, मतलब समानता की ओर। मेड एक्सटेंसिव रिकमेंडेशंस टू एड्रेस डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन एंड गेव यूजफुल गाइडलाइंस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ सोशल पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म्स टू एड्रेस गैप्स इन इक्वेलिटी फॉर वुमेन। इसने बहुत सारे हमको संस्तुतियां दी जिसमें ये कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन है और मार्जिनलाइजेशन है, मतलब वो मार्जिन पे हैं, उनको मेन, इसीलिए कहते हैं ना मेन स्ट्रीमिंग, उनको मुख्य धारा में शामिल कीजिए। और बहुत सारी यूजफुल गाइडलाइन उन्होंने दी कि आप सोशल पॉलिसीज बनाइए, मैकेनिज्म बनाइए जिससे कि महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके और समानता में जो गैप है उसको फुलफिल किया जा सके। कमिटी लुक्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस एंड देयर इंपैक्ट ऑन वुमेन, स्पेशली रूरल वुमेन, एंड ऑल्सो सजेस्टेड मेजर्स टू इनेबल वुमेन टू प्ले देयर रोल इन बिल्डिंग ऑफ द नेशन। और जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको, उनके लिए क्या प्रोविजन है, कैसे ये काम करता है आपका जितना भी अभी तक हमने प्रोविजन किया है, और कैसे हम महिलाओं की भागीदारी राष्ट्र निर्माण
में सुनिश्चित कर सकें, है ना। फिर आया नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, 2001 में आई ये पॉलिसी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। द गोल्स ऑफ द पॉलिसी आर, द गोल्स ऑफ द पॉलिसी वर होना चाहिए ना, क्योंकि आ चुकी है। तो इस पॉलिसी के मुख्य गोल क्या थे कि एडवांसमेंट डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं का विकास किया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए, उनको एडवांस बनाया जाए, इक्वल एक्सेस टू पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग फॉर वुमेन इन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र की जो आर्थिक जीवन है, जो राजनीतिक है, जो सामाजिक जीवन है, उसमें महिलाओं की भागीदारी और उनके डिसीजन मेकिंग के को इक्वल एक्सेस मिले, मतलब समान पहुंच हो उनपे, उनपे रोक ना हो कोई। मेन स्ट्रीमिंग जेंडर पर्सपेक्टिव इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि विकास की प्रक्रिया में जेंडर पर्सपेक्टिव को हमको मेन स्ट्रीम में लाना होगा, मुख्य धारा में लाना होगा लैंगिक परिदृश्य को। और बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप्स विद सिविल सोसाइटी, पर्टिकुलरली वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी सिविल सोसाइटी में और मुख्य रूप से महिलाओं के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं उनको हमको निर्माण करना होगा, उनको स्ट्रेंथन करना होगा, पार्टनरशिप करनी होगी। ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन 2016, आई थिंक इट इज लेटेस्ट, यस इट इज द लेटेस्ट ड्राफ्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन, मतलब कि अभी ये ड्राफ्ट बना है, ये अभी आई नहीं है। टाइटल्ड आर्टिकुलेटिंग विजन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, द पॉलिसी स्टेट्स दैट द वुमेन दैट द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कैन ओनली बी अचीव व्हेन एडवांसमेंट इन द कंडीशंस ऑफ वुमेन इज कपल्ड विद देयर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ चेंज थ्रू इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑल opportunities in all spheres of life including political life। इसने ये माना कि महिलाओं के सशक्तिकरण का वो आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वो उनका जो एडवांसमेंट है वो उनकी एबिलिटी के संग जुड़ जाए। कौन सी एबिलिटी? जिससे कि वो जो परिवर्तन है उसको दिशा दे सकें, उसको प्रभावित कर सकें, और वो राजनीतिक जीवन में सभी स्फेयर्स में इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन में भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा ड्राफ्ट आया है 2016 में, उसके बाद से अभी इसकी फाइनल ये रिपोर्ट नहीं आई है अभी। सॉरी। तो इतना कुछ आपको पढ़ना है, आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं के अधिकार भारतवर्ष में कैसे सुरक्षित रहेंगे, इसके लिए सरकारें इतना कुछ करती हैं। ऑन पेपर बहुत कुछ होता है लेकिन फिर भी वही बात है कि महिलाओं के अधिकार तभी सुरक्षित रहेंगे जब उनके संग जो उनका लाइफ स्पेस है उसमें जो लोग हैं उनका माइंडसेट चेंज होगा, वरना कागज़ पे तो बहुत कुछ हिंदुस्तान में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब मैंने पूरा ह्यूमन राइट्स आपसे शेयर कर दिया, ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट, मैकेनिज्म एंड टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, हाउ टू टीच ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, सॉरी गले में खराश। देन आपसे मैंने शेयर किया राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इंटरनेशनल परस्पेक्टिव, जिसमें मैंने आपसे CRC शेयर किया था, यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। फिर मैंने राइट्स ऑफ चाइल्ड इन इंडियन परस्पेक्टिव शेयर किया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। फिर उसी तरह से राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें कि जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है वो आपका CEDAW हो गया, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, और जो आपका इंडियन पर्सपेक्टिव है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए 14, 15, 16 है, लेजिस्लेशन ले लीजिए बहुत सारे हैं, और आपका पॉलिसीज भी बहुत सारी हैं। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन टोटैलिटी विद ऑल ऑफ यू। एंड वन टास्क रिमेनिंग कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लियर करके बताती हूँ कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861 है या 1961 है। So, thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.